ना इनके रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो पी फोर से क्या करोगे सी एल टू से करा लेना तो पी सी एल थ्री बना लेना ऐसे बन जाता है तो कितने क्लोरीन एटम है ट्वेल्व तो यहाँ पे छह मल्टीप्लाई कर देना आपका मकसद है अगर आप चाहते हैं कि पी सी एल फाइव बने तो पीसीएल फाइव भी बनाया जा सकता है यहाँ पे चार फास्फोरस है व्हाइट फॉसफोरस को रिएक्ट करा दो ये व्हाइट फास्फोरस ही है सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होता है यहाँ पे बीस है तो टेन रिएक्ट करा दो जब टेन सी एल टू से एड करेगा तो ये बन जाएगा तीसरा रिएक्शन पॉसिबल है कि आप पीसीएल थ्री का ऑक्सीडेशन करा दो क्लोरीन से तो भी कहां पहुंच जाओगे पीसीएल फाइव पे पहुंच जाओगे इस तरीके से रहता है ठीक है एक और रिएक्शन है कि अगर हम पीसीएल थ्री का रिएक्शन सेम तरीके से ऑक्सीजन से करा दें यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है है ना क्योंकि यहाँ पे ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में था यह प्लस फाइव में पहुंच गया है इसको भेजने वाला कौन है सी एटम ही है सिमिलरली यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन जो है ना वो क्या होगा ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या बनने वाला है इससे बनने वाला है POCl3 थ्री है ना इससे बनने वाला है पीओ जो है ना पीओसीएल थ्री बनेगा इससे तो आप POCl3 थ्री बना सकते हो हाफ ओ टू ले सकते हो और अगर आपको हाफ ओ टू नहीं लेना है तो आप जो है ना अगर आपको हाफ का काम नहीं करना है तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं है ना तो यहाँ पे क्या कर लो यहाँ पे टू कर लो और क्या है और यहाँ पे भी टू आ जाएगा बैलेंस हो जाएगी बैलेंस हो गई है ना ऐसे ही आप क्या कर सकते हो सेम एक रिएक्शन और एग्जिस्ट करती है आपके में सल्फर से रिएक्शन करा दो तो ये बनाता है पीएससीएल थ्री बना लेता है सल्फर भी इसको एक तरह से ऑक्सीडाइज ही करेगा ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में है ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस फाइव में है ओ सी एल थ्री का स्ट्रक्चर तो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको है ना पी ओ सी एल थ्री का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने ये बनाया हुआ है ये पी ओ सी एल थ्री का स्ट्रक्चर है पी एस सी एल थ्री भी इस तरीके से ही बनेगा तो ये आपने ये कुछ रिएक्शन है इनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो डायरेक्ट समझ सकते हो कोई समस्या है नहीं इनकी रिएक्शन का और उसके बाद जो कुछ रिएक्शन है उनमें अपन डिस्कशन और ला सकते हैं मैं आपको बस एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताता हूँ कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में ये सब्सटेंसेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि जो पीसीएल थ्री है पीसीएल फाइव है SOCl2 टू है एंड एसओ टू सी एल टू है ना तो आप लिख सकते हैं कि दीज रिएजेंट्स दीज रिएजेंट्स आर आर वर्किंग एज आर वर्किंग एज एज हेलोजेनेटिंग है ना एज हेलोजेनेटिंग एजेंट है ना हेलोजेनेटिंग एजेंट का मतलब है कि हेलोजन एटम का जोड़ना तो इन सब का जो काम है इन सब का जो काम है वो क्या होता है वो इन सब का काम होता है टू एड हेलोजन एटम है ना टू एड एड सीएल एटम है ना सीएल एटम मतलब अगर हेलोजन एटम भी लिख सकते हैं सीएल आइटम भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर पी बी आर थ्री होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे पी बी आर फाइव होगा तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा ऐसे आ जाएगा अभी मेरे ख्याल से अभी शायद आपका हुआ नहीं होगा एस एन टू मैकेनिज्म मेंल्कोहल के साथ पीसीएल पीसीएल थ्री की रिएक्शन वगैरह जो है ना ये सब पढ़ाई जाएंगी आपको ऑर्गेनिक में सब पढ़ाया जाए ये तो नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन पीसीएल फाइव की रिएक्शन है और पीसीएल थ्री वगैरह की जो रिएक्शन है वो आपको पढ़ाई जाती है ना वो पढ़ाई जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं ना वहाँ पे भी पढ़ाएंगे और मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो उससे आपका काम चल जाएगा है ना एक रिएक्शन में आपको लिख के बता रहा हूं और वो रिएक्शन है पीसीएल थ्री का सिक्स नंबर रिएक्शन आप लिख लीजिए और वो रिएक्शन है पीसीएल थ्री प्लस एसओ टू सी एल टू तो इसका काम क्या है सीएल एटम जोड़ना इसका काम क्या है सीएल एटम जोड़ना और आपको पता है कि अभी इसके पास स्कोप है कितना स्कोप है दो सीएल एटम जोड़ने का स्कोप है क्योंकि यहां पे तीन जुड़े हैं पीसीएल थ्री है PCL3 अभी प्लस स्टेट में है, तो क्या कर सकते एसो टू। एसो टू बाहर कर दो देख लो आप अपनी सीट में रिएक्शन दिया हुआ है हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा के, के इसके अंदर चल क्या रहा है, है ना अगर हमें ये दिमाग में रहता है कि इसका काम क्या होता है सीएल जोड़ना इवन ऑर्गेनिक में भी काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये अभी आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे ये रिएजेंट आपके सामने आएगा वहां पर भी वो कार्बन स्केल्टन में कार्बन चेन में क्या कर रहा होगा सीएल को जोड़ रहा होगा बैक साइड अटैक करता है एस एन टू मैके काम करेगा ठीक है वैसे ही क्या होगा एक और रिएक्शन आपको दे रखी है वो है पीसीएल थ्री का रिएक्शन एसओ थ्री के साथ अपने क्लास में सभी लोग ये समझ सकते हैं कि एसओ थ्री में जो सल्फर है ठीक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा हुआ है प्लस सिक्स है और जब भी कोई एलिमेंट क्या होगा जब भी कोई एलिमेंट अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तो वो क्या बनेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में वो क्या बनता है वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है क्या बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन करना तो ऑबियस सी बात है कि जो आ, प्लस थ्री वाला है उसको कहा भेजना चाहेगा प्लस फाइव में भेजना चाहेगा अब इसके पास कोई सीएल एटम तो है नहीं लेकिन इसके पास ओ एटम है

कंप्लीट कर दी मैंने है ना ठीक है ये हो गई ये समझा दी मैंने और कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ रिएक्शंस में है एक रिएक्शन है आपका थ्री पीसीएल थ्री के साथ थ्री पीसीएल थ्री के साथ एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन है एसओ सी टू का एसओ टू सी टू का नहीं है एसओ सी टू का है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें तीन है अपने पास इस रिएक्शन में तो SO2Cl2 SOCl2 क्या करता है एक को तो देता है ऑक्सीजन कहता है तुम POCl POCl3 बना लो एक को देता है सल्फर कहता है तुम PSCl3 बना लो एक को देगा सल्फर और बाकी एक को देगा ऑक्सीजन एटम उससे क्या बना देगा नहीं NCल एटम दे देगा दोनों PCl5 बना लेगा ये रिएक्शन को टिक करो अगर आपके पास है ये 3 PCl3 थे एक को एक को मिला सल्फर एक को मिला ऑक्सीजन और इनको दोनों को दो मिले सीएल ये बन गए सल्फर वाले से ये बना पी एस थ्री ओ वाले से पीओसीएल थ्री बना दो सीएल से पीसीएल करके आप याद रख सकते हो तो ये रिएक्शन भी आठ नंबर रिएक्शन है एट नंबर रिएक्शन मैंने कराई है ठीक है ये भी आपको वहां पे होना चाहिए मेरे हिसाब से उस वाले पेज पे होगी जरूर है ना देखना जरूर है ना ठीक है इसके बाद एक रिएक्शन और भी है और वो है किसके साथ पीसी पीसीएल थ्री के साथ है नंबर रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूँ ये आपने लिख लिया होगा स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया होगा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया नाइन्थ नंबर रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ और नाइन्थ नंबर जो रिएक्शन है मेरे पास है जो मैं लिखूंगा आपके लिए वो है थ्री पी सी एल थ्री प्लस एस टू सी एल टू के साथ रिएक्शन प्रडिक्टेबल uh, so है कोई दिक्कत ही नहीं है पीसीएल क्या है ना एस टू सी एल टू का काम भी क्या है एस टू सी एल टू इज वेरी सिमिलर टू जो है ना वो क्या हो जाएगा एसओसीएल टू एसओ सी एल टू जैसे ओ आइटम हटा के एस लगा दो यहाँ पे जो ओ आइटम है इसको हटा के क्या लगा दो एस आइटम लगा दो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के तो मेंबर हैं ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो यहाँ पे क्या करो यहाँ पे ओ हटा के एस लगा दो तो जो एसओ सी एल टू वाला रिएक्शन था ये वाला जो रिएक्शन था यहाँ पे क्या होगा अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे सुनो ये जो ओ से क्या बन रहा था पीओसीएल थ्री बन रहा था ना इसको मैं हटा देता हूं इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा एस लगा दूंगा तो ये क्या होगा पीएससीएल थ्री ये भी क्या होगा पीएससीएल थ्री कितने मोल पीएससीएल थ्री हो जाएगा दो मोल तो दो मोली तो बन रहा है टू मोली तो बन रहा है और बाकी पीसीएल हो गया एक्सप्लेन हो गया रिएक्शन है ना तो एक्सप्लेन कर दो इस तरीके से रिएक्शन ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया देख लो आप वहां पे होगा आपके उसमें तो इस तरीके से ये फास्फोरस के जो कुछ रिएक्शंस हैं है ना आप इनको नोट कर लो इसके आगे जो है ना रिएक्शंस वाली बातें जो है ना थोड़ा सा हम लोग अभी और करते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं इस वाले पार्ट पे तो उसका एक डिस्कशन करेंगे ठीक है तो नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं फिर से यहाँ से है ना देखो नोट कर लो हो गया। One, two, three, four, five, रटना तो नहीं है रटने जैसा तो कुछ नहीं लग रहा यार, इसमें क्या रटना है अभी इसमें भी रटने जैसा लग रहा है क्या फास्फोरस को क्लोरीन ऑक्सीडाइज ही करेगा यार पीसीआर जब कम मोल रखोगे तो प्लस थ्री तक जाएगा ज्यादा मोल रखोगे तो प्लस फाइव तक जाएगा सिंपल है ज्यादा टेन मोल है तो प्लस फाइव तक चला गया सीएल थ्री में तो सीएल टू जोड़ेगा तो फाइव भी बनेगा ऑक्सीजन क्या करेगा ओ से जुड़ेगा तो पीओ सी थ्री जुड़ेगा इसको रटना थोड़ी ना कहते हैं रटना तो ये वाली बात है जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है एक्चुअली वो वाली बात तब रटना कहलाता है यहाँ पर भी मैंने आपको बताया सी जो ना ये आपको किस तरीके से करना होता है पीसीएल फाइव का रिएक्शन तो ये आपको रिएक्ट करना है सीएल टू इसमें जोड़ना है उसके हिसाब से हो जाएगा वैसे यहाँ पे हो रहा है तो रटना जैसा तो नहीं है एक समझ तो है आपके पास ठीक है ओसी में पढ़ा भी दिया गया देखो हर्ष बता रहा है कि पढ़ाया गया फिर क्या दिक्कत है है ना तो मैं तो मैं अपना एक बार बता दिया मेरे केमिस्ट्री आप जाओ तो देखो आपके पास सीट होगी और सीट में पेज नंबर देखो आप लोग वहां दिया हुआ है है ना तो उसपे और ये हाँ एक चीज और भी है ये जो एसओ टू सी एल टू वाले रिएक्शन थे ना ये वाले अभी अभी देखना आप आई एडवांस का एक दो साल पहले का ही पेपर देखना ये एडवांस के एमसीक्यू में आ चुका है इसका वगैरह का इनोगे में ही आया था ऑर्गेनिक से नहीं आया था इनोवनिक से ही आया था ना तो इम्पोर्टेंट भी है आता भी है ठीक है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया है कुछ रिएक्शंस मैं आपको और लिखता हूँ और उनको भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होंगी वो कैसे आप समझ सकते हो उनके लिए So, uh, एक रिएक्शन आपके लिए और भी है मेरे पास और वो है जैसे नाइन हो गई थी ना रिएक्शन लिखो तो रिएक्शन में एक रिएक्शन आपको और देता हूं P4 फोर प्लस टेन एसओ है ना इस तरीके से बनेगा तो ये बना रहा होता है फोर पी सी एल फाइव प्लस टेन एसओ टू है ना ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है इसमें तो फिर से मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि यार इसका काम क्या होता है सीएल जोड़ना तो सीएल जोड़ेगा चार फास्फोरस एटम है चारों फास्फोरस एटम को सीएल जोड़ना है इसको तो पांच सीएल इसको देगा पांच इसको देगा पांच इसको देगा पांच इसको देगा तो टोटल कितने सीएल चाहिए आपको ट्वेंटी सीएल चाहिए है तो ट्वेंटी के लिए अपन ने टेन मोल ले लिया तो सीएल सभी के सभी यहाँ उठ के आ गए और टेन एसओ बाहर निकल गया इस तरीके से आपका ये रिएक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा है ना इस तरीके से ये रिएक्शन के देखने का तरीका है मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ कि इनका काम क्या है स्केल्टन में क्लोरीन जोड़ना है ना स्केल्टन में क्लोरीन जोड़ना तो इस तरीके से क्या करेगा क्लोरीन को अप कर देगा है ना नोट कर लो एक बार इसको उसके बाद कुछ रिएक्शन में आपको और लिखता हूँ इसमें से पीसीएल वाला मैंने कम्प्लीट कर दिया ये सब भी हो गए हैं ये सब भी हो गए हैं ठीक है नेक्स्ट आगे आते हैं है, है ना और इसमें आ, कुछ रिएक्शंस में और लिखता हूं और वो रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप इसे देख लो है बाकी रिएक्शन में इलेवेंथ नंबर रिएक्शन लिख रहा हूं और वो है कि C2H5OH का रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो बनता है C2H5Cl टू एच फाइव सी एल प्लस पीओ सी एल थ्री और प्लस टाइस एस, एस POCL3, आ, प्लस एस सी एल ये बनेगा ठीक है पीओ सी एल थ्री टू एच फाइव प्लस एस सी एल ये बन जाना चाहिए इस तरीके से बनेगा है ना सी टू एच फाइव का रिएक्शन जो होगा पीसीएल फाइव के साथ ये होता है ऐसे ही सी एस थ्री सी डबल ओ एच का रिएक्शन अगर हम कराते हैं पीसीएल फाइव के साथ तो क्या बनेगा तो बनेगा सीएस थ्री सी सी एल प्लस पीओ सी एल थ्री प्लस एस सी एल ये बनेगा ऐसे ही जब हम एच टू फोर का रिएक्शन कराते हैं एच टू फोर का पी फाइव के साथ यू कैन राइट एच टू फोर लाइक दिस एस ओ टू ओ एच का होल ट्वाइस है ना ऐसे लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना? क्योंकि एच टू एस फोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी को पता है कि इस तरीके से होता है वी आर राइटिंग लाइक दिस पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो दोनों OH छट हट जाते हैं और क्या बनेगा एसओ टू क्या बनेगा एसओ टू सी एल टू बनेगा ठीक है एसओ टू सी एल टू बनेगा और एसओ टू टू बनने के बाद यहां पे टू पी ओ सीएल थ्री बनेगा और ट्वाइस एस सी एल बनेगा दो ओ OH एच के लिए दो ओ OH एच के लिए दो पीसीएल फाइव जोड़ लेना ठीक है तो ये रिएक्शंस अपनी uh, जो है ना मेरे हिसाब से ये हुई होंगी अभी ये रिएक्शन हुई है क्या 11, 12, 13 रिएक्शन जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ है क्या इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कुछ लोग यस बोल रहे हैं कुछ लोग नो बोल रहे हैं ये क्या हुआ नहीं हुआ है कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है कुछ लोगों का यस भी आ रहा है आंसर ठीक है चलो कोई बात नहीं देखो आप इसमें है ना तो ये जो मैकेनिज्म है ये वाला जो मैकेनिज्म है ये तो आपका एस एन टू मैकेनिज्म है पढ़ेंगे आपको पढ़ाया जाएगा एल्कोहल का ये जो है ना ये एस एन टू टीएच है ना ये भी अपन एस एन टू टी एच ही मान सकते हैं इसको भी है ना ये मैकेजमीएच है आपने पता होगा कैसे ये बताया गया होगा सीएससी सीओ जो एसिड होगा उसका जो ओ OH एच हटेगा और वहां पे सीएल लग जाएगा सी एस टी सीओ सी एल और ये लग जाएगा ऐसे करके आ जाता है ये होगा यहां पर भी यही हो रहा है ओएच OH हटेगा इसकी जगह पे सीएल लगेगा और ये पीओ सी एल थ्री एस सी एल बनाएगा यहां पर भी यही हो रहा है यहां पर भी दो ओ OH तो एच OH है तो एक ओ एच से एक पीसीएल तो दो ओ OH एच से दो पीसीएल रिएक्ट करेंगे इसीलिए टू पीओ थ्री बनेगा और ट्वाइस एस बनेगा और दोनों ओ एच OH हटकर दोनों जगह पे क्या आ जाएगा एसओ टू सी आ जाएगा सो दिस इज द मेथड यू कैन आई थिंक ये वाला रिएक्शन आ चुका है अभी अभी आया आई के अंदर एनोगनिक साइड से ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी मैंने मुझे मेमोरी में, में आ रहा है कि ये अभी एकादस साल पहले की बात है जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला अब ये हो क्या रहा है इसके अंदर होता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी लैंग्वेज है यहाँ पे सी टू एच फाइव ओ एच जो होगा जिनके पास हाइड्रोक्सी जो है जिनके पास ओ OH एच बेसिकली स्पेशली वो क्या करते हैं वो के के साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने यहाँ पीसीएल फाइव लिया है वो पी थ्री भी ले सकते हैं ना पी एक्स थ्री करके भी बताते हैं ऐसे करके और वो लोग इस तरीके से भी पढ़ाते हैं पी फोर प्लस एक्स टू करके भी पढ़ाते हैं है ना क्योंकि पी फोर प्लस एक्स क्या है अगर आप हेलोजन मिलाओगे तो मैंने अभी दो रिएजन पढ़ाए हैं आपको कौन सा PCl3 पढ़ाया था और PCl5 पढ़ाया था तो वो पी एक्स थ्री बना लेंगे पी एक्स फाइव बना लेंगे ऐसे करके भी पढ़ा देंगे आपको है ना इस तरीके से ये सब एक ही मतलब है PCl3 से रिएक्शन कराना PCl5 से कराना या पी फोर प्लस एक्स से कराना जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी थी उन सबका मीनिंग एक ही है उसी से आएगा ओके okay, तो so में क्या होने वाला है पीसीएल फाइव में अपने पास कितने सीएल है पांच सीएल तीन ही हो गया चार ही हो गया पांच ही हो गया आप क्या करो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में इसको अटैक करा लो वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कराओगे तो क्या होगा ओ एटम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज है ना ओ एटम पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और फॉस्पोरस एटम पे आएगा निगेटिव चार्ज चार हो गए पांच हो गए ये निगेटिव चार्ज आएगा हम्म तो अब क्या होता है यहां पे समझना इसके लिए जो ये होगा क्या कहते हैं वो एटम अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा तो C2H5OH जो है ना इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चालू होगा ध्यान रखना इस पर पॉजिटिव चार्ज ये होगा क्योंकि उधर जाएगा इधर से ये जो होगा क्योंकि इसने फॉस्पुरस ने एक बॉन्ड बनाया है नया बॉन्ड बना है तो इसको एक पुराना बॉन्ड तोड़ना है ये पुराना बॉन्ड तोड़ेगा और सीएल माइसाइन को ऐसे छोड़ेगा वो सीएल माइसाइन क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो जाके यहाँ ऐसे अटैक करेगा बैक साइड अटैक करता है एक ही स्टेप में होता है बैक साइड अटैक होता है सिंगल स्टेप में होता है इसीलिए मैकेनिज्म क्या हो जाती है एसन टू हो जाती है ठीक है तो ये ऐसे जाके अटैक कर जाएगा तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा फाइनली तुमको मिलेगा सी टू एच फाइव सीएल ये मिल जाएगा ठीक और तुम्हें क्या मिल जाएगा तुमको मिलेगा इसमें इसके साथ यहाँ पे क्या मिलेगा फॉस्फोरस का ये ओ एच OH ग्रुप वाला ओ OH एच जो है ना यहाँ लग जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा था ओ OH एच वाला बॉन्ड नहीं टूटा था चार सीएल बचेंगे यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि एक सीएल जो है ना वो चला गया बैक साइड अटैक करने के लिए इसके पास चला गया चार इसके पास बचे अब जो फास्फोरस का कंपाउंड है वो क्या करेगा वो अपना पी डबल बॉन्ड वो बनाने के लिए क्या करेगा h एटम को हटा देगा h एटम को हटा के क्या करेगा h एटम को हटा के यहां से क्या बना देगा बोलो scl बना देगा h एटम को हटा के scl बना देगा और फाइनली इसको किस में कन्वर्ट करेगा फाइनली इसको po cl3 में कन्वर्ट कर लेगा इस तरीके से जो नेट स्केलेटन हुआ इस तरीके से जो नेट स्केलेटन हुआ वो क्या हुआ नेट स्केलेटन ये हुआ कि एक oh देखो एक ओवच OH किसके साथ जुड़ गया फास्फोरस के साथ वो ये कंपाउंड बनाइए वाला और एक सीएल उसके पास चला गया है ना तो पांच में से क्या हुआ पांच में से उसने क्या किया पी को एक ओवच OH दिया और अपने पास एक सीएल ले लिया समझे इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे कितने मोल रिएक्शन करा सकते हो पांच मोल रिएक्शन करा सकते हो इससे फाइव मोल सी जो है ना वो रेड कराए जा सकते हैं फर्दर रेट करा लो ये फिर से रेट कर जाएगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे पीओ बन गया ना तो एक दो तीन तीन ओ OH एच और लगा सकते हो फाइनली कहां तक पहुंच सकते हो एस थ्री पी फोर तक पहुंच सकते हो तो पूरा स्टेप आपको वहां पे पढ़ा दिया जाएगा तो ये तरीका है अल्टीमेटली क्या हो रहा है ओ एच OH हटाया जा रहा है सीएल जोड़ा जा रहा है ओ एच हटाया जा रहा है सीएल जो ओ OH एच है वो किसके पास पहुंच रहा है वो पी एटम के पास पहुंच रहा है पी एटम क्या कर रहा है उस ओ एच बॉन्ड को पी एटम क्या कर रहा है पी एटम जो ओ एच बॉन्ड बन रहा है उसके पास उस ओ एच बॉन्ड को वो क्या कर रहा है उस OH बॉन्ड को वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है और फाइनली क्या कर रहा है एस निकाल रहा है इसीलिए यहाँ पे एस और पीओसीएल दोनों बन रहे हैं एस सी और पीओसीएल दोनों बनते चले जा रहे हैं आई थिंक हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर कभी आया इनऑर्गेनिक साइड से आए या ऑर्गेनिक साइड से आए कहीं से भी आए आप ये काम कर ले जाओगे है ना ऑर्गेनिक से आ जाए या इनऑर्गेनिक से आ जाए किधर से भी पूछ लें आपसे कर लोगे दोनो, दोनों दोनों में आपको दिया गया है आप दोनों पढ़ सकते हैं दोनों कर लीजिए ठीक है नोट कर लो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा ठीक है हाँ, बनेगा है सीएस थ्री ओ सी एल बने एसिड हालाइड में आप वहां पढ़िए आपको आ जाएगा सब प्रॉपर्टी सारी चीजें ऑर्डर ऑर्डर सब पढ़ाते तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट वगैरह से सारा कुछ बताते तो है ना सारा कुछ है पढ़ो उसमें जाके देखो सूरज है ना पढ़ाते केमिस्ट्री का फ्रंट नहीं खोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्रंट नहीं खोलूंगा हाँ बिल्कुल अभी मैं पीसीएल थ्री के साथ जो है ना अभी बना इसका ये कर लो पीसीएल फाइव का कंप्लीट हो गया अभी पीसीएल थ्री का भी लिखूंगा अभी ना ये जो है ना अभी मैं पीसीएल थ्री का भी लिख दूंगा ठीक है ओ एच इज अ गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है ओ एच को लिविंग ग्रुप तब जाके बनता है ना ओ एच को लिविंग ग्रुप जो है ना ओ एच को लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है ये पढ़ लेना यार मेरे को क्यों इस पे मैंने काम काम का बता दिया है मैंने जस्ट आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है अब जब आप डिटेल में आप अपना ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे आओगे तो अपने आप हो जाओगे मैंने अपना काम की बात जो है मुझे जितना इनऑर्गेनिक को ये तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे मेरा मकसद था एच टू एस ओ फोर बनाना मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पे एच टू एस ओ फोर लेके तुम्हें कोई ये नहीं बता रहा होगा है ना तुमको ये तो बता देंगे ये एस एन टू टी एच में बता देंगे एस एन टू में बता देंगे बस एच टू एस ओ फोर कैसे ये बना रहा है वो नहीं बताएंगे वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है तो इसलिए मैंने मेरा ये था कि मैं उसको वहां से रिलेट करता हुआ लेकर आऊँ तो आप जल्दी पहुंच जाओ पहुंचा दोगे इसको है ना आंसर तक ऐसे कर पाओगे ये बैक से से बैक साइड साइड अटैक अटैक होगा इधर से होता है और वो जाके बैक साइड अटैक जो होता है वो क्या होता है होता है कर लेना ये सब आसान है कृष्णा आप चिंता मत करिए ये सब बहुत आसान चीजें हैं जैसे आपको पढ़ाएंगे एमएम सर ये सब सीख जाओगे ना ऐसा कुछ नहीं बहुत टफ नहीं है ना एनी बडी कैन अंडरस्टैंड है ना ठीक है तो जस्ट मैंने रिलेट करने के लिए आपको बता दिया है आप चिंता मत करिए और नहीं होगा तो फिर आप बता मेरे वहां पर भी आप देख लो अगर आपके पास ये है मतलब वेबसाइट का मेंबरशिप है तो मैंने वहाँ पढ़ा रखा है है ना वहाँ पर मैंने ऑर्ग्निक केमिस्ट्री में ये सब वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने ये पढ़ा रखा है आप वहाँ देख लो सब कुछ डिटेल में करा हुआ है मैंने उधर देख लो है ना वहाँ पढ़ा रखा है यहाँ रुकने का यहाँ ऑर्गेनिक में जाने का मतलब नहीं है ज़्यादा टाइम ही ख़राब करूंगा और जब आपके पास सेपरेट है टीचर तो आप उन्हीं से पढ़िए ठीक है ओके तो यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको अब मैं आपको पी सी एल की रिएक्शन करके दिखा देता हूँ सेम रिएक्शन पी के हैं मैंने आपको बोला है ना कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना अच्छा करेंगे उससे उतना ही अच्छा आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा उतना ही अच्छा आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा उल्टा सही नहीं है रिवर्स इज नॉट ट्रू है ना ऑर्गेनिक्स जो है ना जब से जो है ना ऑर्गेनिक आने से ऑर्गेनिक आने से इनऑर्गेनिक ज्यादा अच्छा हो जाता है है ना केवल इनऑर्गेनिक सोचे अगर इनऑर्गेनिक को केवल इनिक की तरह पढ़ोगे ना तो उतना अच्छा नहीं बैठता है ना उतना दिमाग में नहीं बैठता है थोड़ा सा रिलेट करते हैं यहाँ वहां से कुछ रिलेशन लेके आते हैं तो बैठ जाता है कुछ रिएक्शंस और भी है मेरे पास और वो रिएक्शंस है मैंने कितनी इलेवन हो गई थी कितनी इलेवन थी ना कितनी लिख दी थी रिएक्शन नंबर देखना लास्ट नंबर मैं को याद दिमाग से निकल के लास्ट नंबर क्या था रिएक्शन का फोर्टीन ओके ठीक है सो so फोर्टीन नंबर रिएक्शन लिखो आप लोग है ना तो फोर्टीन नंबर रिएक्शन जो आप पीसीएल थ्री फाइव की बात पीसीएल थ्री की बात कर रहे थे तो उसमें थ्री सी टू एच फाइव ओ एच प्लस पीसीएल थ्री विल गिव यू थ्री सी टू एच फाइव सी एल प्लस एस थ्री पी ओ थ्री फिफ्टीन नंबर रिएक्शन है थोड़ा uh, uh, तो दूर दूर में लिख देता हूं इसको ताकि मैं समझा सकूं थ्री सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस पी सी एल थ्री बिलगेवी यू थ्री सी एस थ्री सी प्लस एस थ्री पी थ्री ओके डन डन हो जाएगा हाँ ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा इसमें सिक्सटीन नंबर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सी सिक एस फाइव एस ओ टू ओ एच है ना ये जो है ना ये क्या है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है एसओ थ्री एच वाला ये इसको मैंने ऐसे लिखा है समझ गया होगा मैंने OH क्यों लिखा है है ना तो OH क्या करेगा OH जो है ना हटा देंगे किससे OH इसको दे देंगे phosphorus को Cl इसमें लगा देंगे तो C6H5SO2Cl+ S3PO3 ये कुछ reactions आप लोग नोट कर लो मैं अभी इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ और reactions हैं क्या आपको बताने लायक हम hmm. नोट कर लो आप इनको हो गया देख लो आप तो यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली uh, मैंने जैसे बताया ना आपको कि PCL3 में क्या होगा PCL3 में आपके पास तीन CL है समझो मेरी बात है ना और एक लोन पेयर है फास्फोरस पे तो आप क्या करोगे आप जब सी टू एच फाइव ओ एच से रियट कराओगे ऐसे करके यही लोन पेयर वाला जो पार्ट है इसके पास जाएगा तो ओ OH एच लगेगा? OH लगेगा एटम से समझ ना? OH जो लगेगा वो पी एटम से लगेगा और सीएल किसके पास आएगा सीएल इसके पास आएगा बैक साइड अटैक के साथ है ना तो सी टू एच फाइव सीएल बनेगा ऐसा आप कितनी बार करोगे तीन बार कर लेना ऐसा तीन मोल है आपके पास हर बार एक ओएच OH लगाना एक सीएल वापिस ले लेना एक ओच लगाना एक सीएल वापस ले लेना एक वोच लगाना एक सीएल वापस ले लेना तो फाइनली क्या बनेगा फाइनली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा पी के साथ कितने वोच लग जाएंगे बोलो पी के साथ तीन ओच लग जाएंगे ऐसे ये आ जाएगा सिचुएशन पी के साथ तीन ओवच लग जाएंगे है ना तीन ओच लग जाएंगे आपको पता है बताया ऐसे सिचुएशन रहेगा नहीं आपने कई बार किया अपनी क्लास में तो टोटो मैरिजम करा लेना क्योंकि फासफोरस के पास लोन पेयर है और इसको पी डबल डबुल्डो बनाना जरूरी होता है तो यूं जाके ये इसके पास वापस चला जाएगा तो फाइनली क्या बना लेगा फाइनली जो है ना ये बना लेगा पी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे OH एच और यहाँ पे OH एच पहले से ही था यहाँ पे एच आ जाएगा तो यही क्या होता है इसी को तो आप क्या बोलते हो इसी को तो आप एस थ्री पी ओ थ्री बोलते हो बन गया याद हो जाएगा हमेशा के लिए देख लो आप है ना याद हो जाएगा ये तो ये भी यहां पर भी वही हो रहा है यहां से ओ OH एच हट रहा है यहाँ से ओएच OH हटने के बाद किसको मिल रहा है फास्फोरस को मिल रहा है कितने मोल लिए है आपने तीन मोल लिए हैं तो हर वन मोल क्या करेगा मोल इसका ओएच OH जोड़ेगा सीएल ले लेगा ओएच OH जोड़ेगा सीएल लेगा ओएच OH जोड़ेगा सीएल लेगा अल्टीमेटली ये कहा पहुंच जाएगा अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा पीओ एच होल था इसमें और वो रियल रेंज होकर कहा पहुंच जाएगा एस थ्री पीओ थ्री में ऐसा कुछ हो रहा है सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है तो ये रिएक्शन जो है ना इजिली है है ना अगर आपके पास आपका सीट है तो आप उसमें सीट में देखो और पेज सीट में पेज नंबर जो सिक्सटीन है वहाँ पे आपको एक टॉपिक है आपकी नई वाली सीट में हेलाइड्स एंड ऑक्सी हेलाइड करके एक टॉपिक है और वहाँ पे ये सभी रिएक्शंस जो है ना वो अवेलेबल है आप देख लीजिए मैंने आपको लगभग सभी रिएक्शंस कर दी हैं वहां पे जितनी भी रिएक्शंस अवेलेबल है वो सारी रिएक्शंस आप कर चुके हैं

सिक्सटींथ बैलेंस नहीं है क्या सिक्सटींथ में कुछ इश्यू आ रहा है हाँ सिक्सटींथ में यहाँ पे थ्री कोफिशन छूटा हुआ है इसलिए बैलेंस नहीं है यहाँ पे थ्री कोफिशन छूटा हुआ है इसलिए बैलेंस नहीं है ठीक है ओएच फास्फोरस के साथ क्यों गया ओएच जो होगा बेसिकली जब आप लोन पेयर लोगे ना बेसिकली जब ओ एटम पे ओ एटम पे क्या होगा ओ एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ओ एटम क्या कर सकता है ओ एटम दो काम कर सकता था या तो वो एच एटम से ले सकता था इलेक्ट्रॉन या फिर किससे ले सकता था कार्बन से ले सकता था तो यहाँ पे क्योंकि उसने उसे सीएल जोड़ना था आदित्य तो उसने क्या किया कार्बन से ले लिया कार्बन वाली चेन से उठा लिया और इसीलिए कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो सीएल होता है इस मैकेनिज्म में है ना बताया जाएगा आपको है ना आदित्य ये मिलेगा आपको उसमें पढ़ाया जाएगा ठीक है ओ एच OH आईटम जो है ना फास्ट एस है एस में जाएगा है ना ठीक है मैकेनिज्म आपको पढ़ाई जाएगी चलिए ठीक है तो मैंने आपको रिलेट करवा दिया है इसको कंप्लीट एक दो रिएक्शंस और भी हैं जिनका कोई Uh, सिर्फ पैर तो नहीं है ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं एक रिएक्शन और भी है उसको भी लिख लो आप है ना ये है पी फोर ओ सिक्स का रिएक्शन है और पी फोर ओ सिक्स का रिएक्शन फोर सी एल टू के साथ रिएक्शन है तो आउट ऑफ टू फास्ट दो तो चले जाते हैं पीओ सी एल थ्री में और दो चले जाते हैं पीओ टू सी एल टू में पीओ टू सी एल में ये बना लेते हैं ठीक है ये भी एक रिएक्शन दे रखी है इसका को तो वैसे कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको ऐसे याद करनी है इसको उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट मेरे नोट्स में मेरे पास है लेकिन हीटिंग इफेक्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ हीटिंग इफेक्ट का हेडिंग डाल के लिख दो इट इज कंप्लीटेड इन द सॉल्ट एनालिसिस है ना फास्फोरस सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट है वो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं है ना तो वो आपको हो गया होगा है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं रिएक्शन वाला पार्ट जो है ना वो रोक रहा हूँ और प्रॉपर्टी वाले पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है उसको अपन आगे कंप्लीट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे जो होंगी वो वाला पार्ट कर लेते हैं ना ठीक है प्रॉपर्टीज आज स्टार्ट कर देते हैं और फिर थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो साथ में सामने ही कराते चले जाएंगे है ना कुछ जगह पे एक्चुअली कुछ रिएक्शन में क्या है कुछ कंपाउंड की मुझे प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो प्रॉपर्टीज जब तक बताऊंगा नहीं तब तक वो क्वेश्चन होंगे नहीं जैसे अमोनिया की रिएक्शन है पीएस की रिएक्शन है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा उनके लिए अपने को पहले उनकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी तो इसलिए पहले प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आ जाते हैं तो ये रिएक्शन वाला पार्ट मैं यहाँ रोक रहा हूँ बीच अभी 100 परसेंट कम्प्लीट नहीं हुआ बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा प्रॉपर्टीज बताता जाऊँगा रिएक्शन भी कराता जाऊंगा ये रिएक्शन जो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो क्लास में कम्पलीट हुई है कोशिश यही की है कि आपको सारी चीजें याद हो जाए एक लॉजिकल थिंकिंग आपके माइंड में डेवलप हो जाए कि कैसा क्या चलता है ना प्योर रेक्टाफिकेशन की जगह पे थोड़ा सा समझ आप बढ़ा लीजिए तो नेक्स्ट साइडिंग आप लोग लिखोगे और वो है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स नाइट्रोन फैमिली एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उन पर काम करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैंने आपको कहा था कि मेरा चैप्टर दो तरीके से डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया है एक में मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और एक में मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन वाला पार्ट हो गया है आप प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं और फिर दोनों चीजें मिक्स करेंगे दोनों चीजों को सो इट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सनिक एंटीमनी और बिस्मत ये होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को इस फैमिली में नॉन मेटल माना गया है ये नॉन मेटल है को हम लोग क्या मानते हैं मेटलॉयड मानते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं प्योर मेटल मानते हैं ठीक है प्योर मेटल है और ये कोई भी समझ सकता है क्योंकि किसी भी फैमिली में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है मेटालिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है मेटालिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है इसीलिए क्या हो रहा है कि ये सिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से है क्योंकि नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में क्या होता है कोई भी ग्रुप हो ये नाइट्रोन फैमिली की बात नहीं ये ऑक्सीजन फैमिली कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली कहीं पर भी करेंगे सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा लगभग ऐसे ही मिलेगा दूसरा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक तो इस फैमिली में क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो उस कैसे होते हैं अनपेड होते हैं और माना जाता है और इसीलिए आपको पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन एटम की जो आइनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा निकल के आती है क्योंकि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूरेशन होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर सकते हैं और वो है थर्ड में वो है एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस ऑब्वियस सी बात है कोई भी समझ सकता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होगा ये क्या होगा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप और रीजन जो होगा वो क्या होगा रीजन जो है ना वो क्या होता है वो सेल्स बढ़ती है नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो इंक्रीज करती है लगातार एक के बाद एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस जो है ना वो बढ़ता चला जाता है नेक्स्ट पॉइंट आप कर सकते हो आयनाइजेशन इन थेरेपी आयनाइजेशन थेरेपी या आयनाइजेशन एनर्जी के बाद डिस्कशन करें तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा टॉप टू बॉटम कमी होगा डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम लास्ट में क्या होगा लास्ट में जरूर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कम होता है लगातार जब यहाँ जाते हैं तो आखिरी में सभी फैमिली में है वैसे तो आखिरी में डिफरेंसेज होते हैं वो कम होने लगते हैं है ना क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है वो एक तरह से जो बड़ी ऑर्बिटल्स होती हैं जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कम होने लगता है तो फिर वो बाद में क्या होता है जो है ना ये सभी जगह ऐसा होता है कि बाद में क्लोज वैल्यूज आने लगती हैं डिफरेंसेस कम होने लगते हैं तो एस क्या होगा डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम हाँ ये जरूर है कि जो ग्रुप 15 के अगर हम बात करें तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है जो उनको नाइट्रोजन फैमिली है उनकी जो आई वन होगा आई वन का वैल्यू जो होगा वो ग्रुप 16 जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं उनके आई आई वन से क्या होता है ज्यादा होता है जैसे आई वन ऑफ आई वन ऑफ नाइट्रोजन एटम जो होगा वो ज्यादा होगा आई वन ऑफ आई मतलब आई वन मतलब फर्स्ट ऑफ आने एनर्जी

उनको कराएंगे ना तो ऐसे करके कंप्लीटनेस जो आ जाएगा एक एक ऐसा जो एक जनरलाइज थिंकिंग थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म बेस्ड थी एक पहले वो सिखाई अब जो प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं वो सिखाएंगे ना? बेस है ना मैकेनिज्म बेस्ड पहले चीजें क्लियर हो गई हैं अब प्रॉपर्टीज बेस कर लेंगे ठीक है हम नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करेंगे आ, तो लिखने का टाइम दे तो रहा हूं, लिखो तो क्या दिक्कत है इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी बता देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अभी बताते हैं डिस्कस करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी डिस्कस कर देंगे ये कौन से पेज पे ये पहले पेज पे होगा यार थ्योरी में नहीं इसको सीरो गैस कन्फ्यूजन नहीं बोलते हैं ना इसको नहीं बोलते हैं ये पहले पेज पे ही होगा थ्योरी में देखो ना थ्योरी में ये फर्स्ट पेज पर ही होगा ये फर्स्ट पेज पर ही लिखा होगा देख लो आप नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे और वो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखो तो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है समझे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ना तो फोर पॉइंट हो गया था फिफ्थ पॉइंट करो फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा Nitro, नीचे जाने पे कमी होगी का कितना है ना तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज डाउन द ग्रुप तो इसमें कोई समस्या नहीं यहाँ तो ठीक ठाक है केवल हमारा एक वो जो होता है बोरॉन फैमिली बोरॉन फैमिली में जरूर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है उसमें समस्या आती है बाकी ज़्यादा समस्या है नहीं बाकी ठीक ठाक चलता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही करता है कि बोरॉन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा जो है ना चेंज होता है तो आपने पढ़ा होगा बस वही गड़बड़ है बाकी सब जगह ठीक ही चलता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट तो फिजिकल स्टेट में अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है ना वो तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड बना के क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड बना के ये तो स्टेबल रहता है नाइट्रोजन गैस है तो गैसे गैसे स्टेट में है है ना गैस में है ठीक है ये तो गैसे सब्सटेंस है लेकिन बाकी सारे जो है ना फॉस्फोरस है आर्सेनिक है एंटीमनी है और बिस्मत है ये सब जो है ना ये क्या होगा ये पी फोर सॉलिड है ये आर्सेनिक भी ए एस फोर सॉलिड है और ये भी क्या है ये भी एस बी फोर सॉलिड है और ये जो बिस्मत है ये भी सॉलिड है तो बाकी सारे क्या है बाकी जो है ना वो क्या हो गए ऑल आर सॉलिड बाकी सॉलिड है केवल केवल जो ये है नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है वो केवल गैसियस फेज में है नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो क्या होंगे वो सभी के सभी जो है ना सॉलिड फेज में पाए जाते हैं इनका फिजिकल स्टेट नाइट्रोजन जो है ना वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बाकी जो है ना सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना इस तरीके से इनका फिजिकल स्टेट ये होगा अब क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है लगातार मोलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है तो मोलिकुलर मास बढ़ने से क्या होता है बढ़ोल्व फोर्स बढ़ेगा और वॉन्ड्रोवॉल्व फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट तो इन जनरल बढ़ रहा है तो सेवन पॉइंट की अगर हम बात करें बीपी और एमपी है ना बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो है इंक्रीजेस इन जनरल जो है ना इन जनरल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन जनरल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप पॉइंट so जो है ना वो तो क्या हो रहा है वो जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है जाने लगातार इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन जो uh, मेल्टिंग कहा जा रहा है ना आर्सनिक तक तो क्या हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इंक्रीज कर रहा है उसके बाद डिक्रीज कर जाएगा ना? उसके बाद डिक्रीज कर रहा है नोट कर लो आप इस लिख लो इसको मैं बोल दे रहा हूँ मैं भी लिखता हूँ बोर्ड पे एक मिनट रुको इंक भर तो इसमें जरा लिख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सनिक एंड्रीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सनिक

तो सॉलिड सब्सटेंस में कहीं ना कहीं सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपका जो क्रिस्टल ज्योमेट्री वगैरह जो होती है वो रोल प्ले करेंगी है ना वो रोल प्ले करेंगी और वैसे भी यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जब ऊपर में तो कोबलेंट बॉन्डिंग है ऊपर में तो आपको कोबलेंट बॉन्डिंग मिलेगी और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा वैसे क्या होगा जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे क्या होगा मेटालिक बॉन्डिंग होती जा रही है मेटालिक मेटल्स में कन्वर्ट होगा मेटालिक बॉन्डिंग थोड़ी वीक है किसके कंपैरिजन में किसके कंपेरिजन में बॉन्डिंग के कम्पेरिजन में इसलिए क्या होगा इसलिए जो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो के बाद लगातार क्या हो रहा रहा है 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 कम होता जा शिफ्ट बेसिकली बॉन्डिंग से मेटालिक बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट है और उससे जो इंट्रेक्टिव फोर्स है सॉलिड स्टेट में वो क्या हो रहा है वो कम होते जा रहे हैं है ना इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है एंड द लास्ट पॉइंट इज जो है ना वो क्या है वो है एलोट्रॉपी है ना सेवेंथ के बाद एट नंबर पॉइंट है वो है एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी तो इसमें कहा जाता है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑल ऑल एलिमेंट्स हैव देयर, हैव देयर एलोट्रोप्स है ना उनके एलोट्रोप्स होते हैं जैसे सबसे ज्यादा फेमस किसके एलोट्रोप्स हैं सबसे ज्यादा फेमस से जो है ना वो फॉस्फोरस के हैं ठीक है सबसे ज्यादा जो है ना वो फॉस्फोरस के होते जाएंगे ना ठीक है इस तरीके से बी फोर नहीं बनता मतलब बी फोर का क्या मतलब है ज्यादा आयनिक का नहीं आयनिक नहीं हो रहा है मेटालिक हो रहा है मेटालिक अगर होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग वीक होता जाएगा है ना मतलब यहाँ पे किसी दूसरे एटम की बात नहीं है यहाँ पे केबल और केबल बिस्मत की बात है एंटीमनी की बात है तो इनके बीच के अगर एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो इनका जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बनेगा तो मेल्ट करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा ऐसा कुछ है है ना मेल्ट करना आसान हो जाता है भाई दो बिस्मत एटम को कौन सा बॉन्ड जो है ना वो कर पा रहा है दो बिस्मत एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है जो उनको रोक पा रहा है मेल्ट होने से दूर जाने से रोक पा रहा है वो वाला बॉन्ड आपको देखना है है ना वो वाला बॉन्ड आपको देखना है ठीक है यहाँ पे चार चार आसनिक एटम है इस तरीके से आपको दिख रहे हैं तो इनको आपको अलग अलग करना पड़ेगा तो वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी नहीं मेटालिक बॉन्डिंग जो है ना वो कोवलेंट uh, बॉन्डिंग से स्ट्रोंगर नहीं होती ये गलत इन्फॉर्मेशन है ना ठीक है ये गलत गलत इन्फॉर्मेशन है ठीक है है ना मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है संजय पुरोहित जी है ना सीओ साहब गलत है ये मेटालिक बॉन्डिंग जो है ना वीक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग से ठीक है तो ऐसे जो है ना और कोई दूसरा नाम लिख नहीं लिख सकता है क्या हम्म इतने सारे नाम है दुनिया में कोई दूसरा नाम लिख के आ जा भाई मेरा ही नाम लिख ले उसमें अपने में क्यों बार बार उनका नाम है ना प्रनाउंस करवाता है हुँ? बस एक ही नाम मिला था और कोई दूसरा नाम ले ले भाई इतने सारे नाम है किसी का भी रख ले अपना नाम अगर अच्छा ही लगता है तो नेक्स्ट लिखो आप इसमें और वो है अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे केमिकल प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की है ना ऑक्सीडेशन नंबर है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर में अब मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ ये नोट हो गया होगा आप लोगों का है ना ऑक्सीडेशन नंबर का पहला पॉइंट लिखो आप लोग वो ये है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स आर माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस फाइव ये तीन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है और भी हो जाएंगे है ना सभी तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन तो बहुत सही देता है और आप अपना सीट देखो आप एक टेबल बना रखे और उन्होंने कई सारे कंपाउंड बना रखे हैं नाइट्रोजन के तो हर एक तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन दे सकता है लगभग लग प्लस वन प्लस टू प्लस ये सब देता है बट मोस्ट कॉमन यही है है ना और उसका रीजन वही है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे वो पाँच हैं ठीक है तो पांच वाले क्या करते हैं तीन एक्सेप्ट कर सकते हैं मतलब तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ये ज्यादा है तो इसके पास आएंगे तो वो उसके पास तीन बॉन्ड बना सकते हैं लोग तीन बॉन्ड बनाने से या तो माइनस थ्री हो सकता है या फिर प्लस थ्री हो सकता है जब पांच बॉन्ड बना लेंगे तो क्या होगा प्लस पांच हो जाएगा तो उसके हिसाब से चलेगा तो ऐसा कुछ चलता है ना तीन बॉन्ड बनाएंगे कोई भी एलिमेंट जो है ना अपनी ऑप्टेड कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड बनाएगा है ना जितने बॉन्ड बनाएगा उसको ही प्लस और माइनस कर लेना तो वो लोएस्ट और वैसे आ जाएगी और जितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है अगर उतने ही बॉन्ड बना सकता उतनी है तो वो हाईएस्ट आ जाएगी आई रिपीट अगर जो तीन है जैसे नाइट्रोजन <coughs> मतलब की बात करें तो नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है अमोनिया से बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर नाइट्रोजन तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के माने जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा वैसे जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस जैसे पीसीएल थ्री बनाएगा तो ये भी तीन ही बॉन्ड बना रहा है लेकिन सीएल इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इधर सीएल जाएंगे तो ये प्लस थ्री में चला जाएगा जब फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा वो किस में किसमें प्लस फाइव में चला जाएगा तो ऐसा कुछ होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं उतने बॉन्ड बनाने के बाद दोनों काम कर सकते हो जैसे तीन बॉन्ड बनाए तो तीन माइनस कर लिया तीन प्लस भी कर लिया दैट डिपेंड ऑन द कि वो एलिमेंट किस एलिमेंट से बॉन्ड बना रहा है अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो से बना रहा है तो प्लस में चला जाएगा उतना ही अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो में बना रहा है तो माइनस में चला जाएगा और जितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है अगर वो उतने ही बॉन्ड बना पा रहा है तो वो किस में चला जाएगा वो चला जाएगा हाइएस्ट में इसके लिए क्या कर लेना इसके लिए आप जैसे ऑक्सीजन फैमिली है तो ओ एटम को देखो ओ एटम के पास छह इलेक्ट्रॉन है कितने बॉन्ड बनाएगा दो बनाएगा अब दो ऐसे बनाएगा कि अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बना लिया से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरिन एटम बना दो तो प्लस टू में चला जाएगा ठीक है अब अगर अपने से कम कुछ जितने बॉन्ड बनाया उतने जाता है, है ना? ऐसे करके डिसाइड करते। और छह अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो छह बॉन्ड बना लिए तो प्लस सिक्स में चला जाएगा लेकिन ओ एटम सिक्स बॉन्ड नहीं बना पाएगा लेकिन हाँ इसी की फैमिली का एक सल्फर एटम है जो छह बॉन्ड बना सकता है जैसे यशो थ्री वगैरा है तो प्लस सिक्स में चला जाएगा तो हाईएस्ट ऐसे आती है तो वैलेंस सेल वाला जो होता है वो जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं अगर वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बना लेगा तो वो उसके हाइएस्ट बन जाएंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने जितने बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट पर डिपेंड करेगा अपने से ज्यादा पे बनाएगा तो प्लस में अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव पे बनाएगा तो जोगा को माइनस में चला जाएगा ऐसा कुछ है ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आता है आप हमेशा अब ये किसी भी फैमिली में आप एक्सप्लेन कर पाओगे नॉट इन ओनली नाइट्रोजन फैमिली इन एवरी फैमिली यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस उसके बाद हम कहते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑन मूविंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो टू शो पॉजिटिव टेंडेंसी टू शो निगेटिव निगेटिव मतलब माइनस थ्री वाली टेंडेंसी टू शो निगेटिव माइनस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस है ना तो ये तो किसी भी ग्रुप में वैलिड है क्यों कोई भी ग्रुप होगा उसमें टॉप टू बॉटम जब जाओगे

स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस है ना दिस इज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट दिस इज ड्यू टू दिनर पेयर इफेक्ट ठीक है तो ये इनर पेयर इफेक्ट की वजह से जो होता है जो प्लस थ्री ऑक्सीजन नंबर है इसकी क्या होती है स्टेबिलिटी कम होती जाती है और प्लस फाइव ठीक है प्लस थ्री वाले की बढ़ती जाती है प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट सही है वाले स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो क्या वो डिक्रीज कर जाती है है ना वो डिक्रीज करेगा और ये इसका क्या होगा ये इंक्रीज करेगा तो कम वाले की जो है ना क्या होगा वो बढ़ेगा प्लस थ्री वाले का बढ़ेगा प्लस फाइव वाले का घटेगा तो ये क्यों होता है ये इनर्ट प्यर इफेक्ट की वजह से होता है इनर्ट प्यर इफेक्ट जो होता है वो उसकी वजह से होता है ठीक है आप इसे नोट करो एक मिनट है ना तो नोट कर लिया आपने है ना ठीक है अच्छा तो इनर्ट पेर इफेक्ट लगना स्टार्ट कहां से करोगे कहा से स्टार्ट करोगे नाइट्रोजन में इन पेर इफेक्ट कब से स्टार्ट करोगे लिखना शुरू कहां से होता है किस किस जगह से स्टार्ट करोगे क्या सभी में लगता है या लास्ट में लगता है आर्सनिक से लगेगा पता नहीं है नाइट्रोजन से लगेगा एंटीम से लगेगा ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं इनर्ट पेर इफेक्ट के बारे में है ना कि इनट पेर इफेक्ट कैसे आता है क्या होगा तो दो ऑक्सी दो से ना प्लस फाइव से प्लस थ्री वाला जो है ना वो क्या होगा वो स्टेबल होने लगता है लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है स्टेबल होने लगता है और इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला भी जो कंसेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा है ना देखो तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली यहां पर आपको है कि नाइट्रोजन है फास्फोरस है आर्सेनिक है एंटीमनी है और बिस्मत है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या है 2s2, 2p3। इसका क्या है 3s2, 3s2, 3p3। इसका क्या है 4s2, 4p3, 5s2, 5p3। और ये है 6s2, 6p3। सवाल ये उठता है कि इनट पेफेक्ट देता कौन है है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता तो है ये सबको पता है लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ये कैसे पता चले है ना तो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए ये फोर्थ ये क्या ये है ये सेकंड पीरियड है थर्ड पीरियड है फोर्थ पीरियड है सबको पता है फिफ्थ पीरियड है सिक्स पीरियड है फोर्थ पीरियड के जो ये फोरस ऑर्बिटल है इसके पहले एक ऑर्बिटल फिल होती है उसका नाम है थ्री डी टेन डी ऑर्बिटल जो है ना कंप्लीटली फिल्ड होती है तो डी के इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इनर्ट ऑर्बिट पे देने के लिए इसके पहले अगर आप देखोगे तो आपको 3d10 इसकी पूरी कंप्लीटली फिल्ड मिलेगी और पता है 4d10 भी कंप्लीटली फिल्ड मिलेगी ना यहाँ पे पूरा मिलेगा इनको देखोगे तो 6s2 से पहले इनमें 3d10 कंप्लीट है 4d10 कंप्लीट है इसका तो 4f में भी 14 इलेक्ट्रॉन है ये जो आपको d के इलेक्ट्रॉन और f के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना ये जो कंप्लीटली फ ऑर्बिटल दिखाई दे रही हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए इनर्ट पेर इफेक्ट इन्हीं की वजह से आता है इनका ही है इसीलिए फास्फोरस और नाइट्रोजन में आप इनर्ट पेर इफेक्ट नहीं मानोगे बिल्कुल भी नहीं मानोगे स्टार्टिंग जो होती है वो आर्सनिक से ही होती है आर्सनिक से क्यों बताता हूं ऐसा क्या हो रहा है बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जो है ना एस और पी ऑर्बिटल में आता है तो जैसे एस और पी ऑर्बिटल में आता है इलेक्ट्रॉन जैसे आता है वैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना डी और एफ में आएगा दोनों में डिफरेंस है अगर एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो एस और पी जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास ही होते हैं सील्डिंग बढ़ा देते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं करने देते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ने देते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर पे क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक प्रोटॉन भी आएगा है ना एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक प्रोटॉन भी आता है तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन पावर जो है ना वो बढ़ता है अगर कौन सा होगा अगर हमारा प्रोटॉन अगर आएगा न्यूक्लियस में तो उसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा लेकिन जब डी और एफ में आता है तो डी और एफ की यह समस्या है कि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूरी पर है डिस्टेंस ज्यादा है तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन बढ़े हुए हैं वो प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो प्रोटॉन बढ़ गए यहाँ पे वो प्रोटॉन के बढ़ने से जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होकर लगातार बाहर निकल रही है लेकिन इनके सिग्नल को इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रोकने वाला कोई नहीं है रोकने वाले तो क्या है वो बहुत दूरी पर है डी के इलेक्ट्रॉन तो ये जो इफेक्ट है ये क्या करेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा और उसको क्या कर लेगा वो खींच लेगा ठीक है इस तरीके से होगा तो यहां पर यही हो रहा है बेसिकली यहां पर यही हो रहा है कि जैसे मतलब अगर हम Mo, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें अगर मोबाइल जैमर लगाया जाए तो आपके मोबाइल का सिग्नल ट्रैप होगा और अगर आप जिस रूम में बैठे उसके घर के बाहर लगाया जाए गेट पे जाके लगाया जाए तो जा फिर आपके मोबाइल का सिग्नल ट्रैप नहीं होगा तो वैसे ही क्योंकि मोबाइल जैमर का जो सील्डिंग होगी आपके ए, मु, आपके मोबाइल के लिए उसका सिग्नल वो ट्रैप नहीं कर सकता सील नहीं कर सकता वैसे ही डी के इलेक्ट्रॉन है डी के इलेक्ट्रॉन दूर है वो न्यूक्लियस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सील नहीं कर पाते हैं है ना और एक और समस्या है कि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है दस दस इलेक्ट्रॉन है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे दस प्रोटोन इंक्रीज होंगे दस प्रोटोन इंक्रीज से जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ गया उसको रोकने वाला कोई नहीं है उसने अट्रैक्शन पावर क्या कर ली बढ़ा ली एक तो ये वाली बात है कि जब भी ये एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिख लो कि जब भी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन आएगा उसके कारण जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में आएगा उस प्रोटॉन की अट्रैक्शन पावर एक्सेप्शनली ज्यादा होती है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डी और एफ ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन आता है केमिस्ट्री में उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्रिएट होता है क्योंकि एटम को न्यूट्रल करना है तो उस प्रोटॉन की अट्रैक्शन पावर एक्सेप्शनली ही ज्यादा होती है वो ज्यादा ही अट्रैक्ट करता है एसओपी के कंपेरिजन में है ना तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गई प्लस साथ में क्या हो रहा है कि अब ये एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन है आप कहोगे सर एस के इलेक्ट्रॉन क्यों इनर्ट करते हो इनर्ट पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट होना तो ये जो एस के दो इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट होना चालू हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है कि एस के होते हैं पी के क्यों नहीं होते हैं जबकि फोर और फोर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है आई रिपीट फोर और फोर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है फाइव एस के इक्वल डिस्टेंस पर है सिक्स और सिक्स के आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है लेकिन एस के इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियस के पास पाए जाने की जो प्रोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है नॉन जीरो प्रोबिलिटी होती है चाहे वो वन एस का हो चाहे वो टू एस का हो चाहे वो थ्री एस का हो चाहे फोर एस का हो चाहे फाइव एस का हो किसी का भी हो हर एक एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का जो साई फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस पे कभी जीरो होता ही नहीं है इसलिए न्यूक्लियस पे नॉन जीरो प्रोबिलिटी होती है न्यूक्लियस के पास पाए जाने की जो प्रोबिलिटी है वो एस के इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा है तो एस के इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसलिए वो एस के इलेक्ट्रॉन को ही अट्रेक्ट कर लेता है और रिएक्ट नहीं करने देता है उन्हीं को इनर्ट बनाता है है ना और इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आर्सनिक से क्यों स्टार्ट किया आर्सनिक से स्टार्ट होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट और लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल एक डी था यहाँ दो डी हो गए यहाँ दो डी के साथ साथ एक एफ के इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो सबसे ज्यादा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्योंकि इसको लगेगा वो बिस्मत को लगेगा फिर किसको लगेगा एंटीमनी को लगेगा फिर किसको लगेगा आर्सनिक सबसे कम आर्सनिक को लगेगा नैट्रोन फास्फोरस को नहीं लगेगा इसीलिए क्या होता है इसीलिए जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम्म स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो आर्सनिक का प्लस थ्री स्टेट है ठीक है वो क्या होगा आर्सनिक प्लस थ्री स्टेट का ये सबसे कम स्टेबल है फिर एंटीमनी का प्लस थ्री स्टेट है बिस्मत का जो है ना प्लस थ्री स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्लस थ्री में ही रहना चाहिए इसके दो को रिएक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है और अगर हम प्लस फाइव स्टेट की बात करें तो आर्सनिक का प्लस फाइव स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है उसके बाद एंटीमनी का है उसके बाद का प्लस फाइव सबसे स्टेबल है इसमें आप अपनी सीट में देखो उसमें लिखा है कि केवल बी आई फाइव जो है ना वो एडजस्ट करेगा बाकी एडजस्ट करते ही नहीं वो भी मैं लिखवा चुका हूँ आपको क्लोराइड के बारे में लिखवाया था ना ए एस सी एल फाइव और एस बी सी एल फाइव ये सब एक्जिस्ट नहीं करते हैं एनसीएल फाइव बनता नहीं है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है एस सी एल फाइव और एस बी सी एल फाइव और बी आई सी एल फाइव वगैरा बनेंगे नहीं वो मैं आपको वो भी मैं लिखवा चुका हूं पहले भी लिखवा चुका दिस दिस ऑल ऑल अबाउट द इनर्ट चुकाउट इफेक्ट क्यों हम आसनिक से स्टार्ट करते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए है ना वो बता दिया ठीक है और क्यों एस के इलेक्ट्रॉन पर ही इनर्ट पेर इफेक्ट आता है पीके पे क्यों नहीं आता वो भी समझा दिया तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें तो स्टेबिलिटी इस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करा दिया इट इज डन और नॉट देख लो चेक कर लो है ना हो गया <coughs> कंप्लीट है ओके okay. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो रीजन है वो कोवलेंट बॉन्ड से मेटालिक बॉन्ड का शिफ्ट है उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड से मेटालिक बॉन्ड का शिफ्ट है उसकी वजह से नाइट्रोन का एलोट्रोप क्यों नहीं बना नाइट्रोन का एलोट्रोप इसलिए नहीं बना कि नाइट्रोजन खुद में ही अच्छे से बॉन्ड बना सकता है है ना ट्रिपली बॉन्डेड है बाकायदा इनर्ट है है ना तो नए कंपाउंड बनाने की उसको जरूरत नहीं है खुद ही मतलब इनर्ट है है ना उसका जो पहला कंपाउंड वही इनर्ट है है ना और वैसे भी ऐसा कोई बहुत लॉजिक नहीं है ये बहुत अच्छा बड़ा लॉजिक भी नहीं है और हम उसको पढ़ रहे हैं जो है जो नहीं है उसको नहीं पढ़ रहे हैं है ना ऑक्सीडेशन नंबर बताना पढ़ाना बता दिया जाए आप लोग आप लोग क्या करना स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैंने बताया रेडॉक्स के अंदर वो देख लेना ठीक है आखिरी मैं बता दूंगा थोड़ा सा देख लेना बता दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कोवलन बॉन्ड में एक मिनट रुक जाओ है ना ये ये नोट हो गया सबका कोवलन hmm. बॉन्ड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा एक मिनट रुको मैं समझाता हूं आपको यहां पे ये हटा रहा हूं मैं ना ठीक है कोवलन कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर आप जब निकालते हो उसका जो बेस्ट मेथड है एक तो वो एक्स वाला है एक्स वगैरह मान के करते हैं वो तो एक अलग बात है जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है जो सही मेथड है वो ये है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग ना ये जो होता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर होता है है ना ये तो आपको पता ही रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव बेसिस पे होता है रेडॉक्स में अगर किसी के पास वेबसाइट मेंबरशिप है तो और केमिकल बॉन्डिंग साइन मैंने उसमें डाल रखा है रेडॉक्स में डाल रखा है तो रेडॉक्स का अलग से टॉपिक उसका जो पहला लेक्चर है ना वो यही पे है ऑक्सीजन नंबर निकालने पर थोड़ा सा देख लेना दस बीस से पच्चीस मिनट का एक लेक्चर है देख लेना हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा तो इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं आपको जैसे एन का एग्जाम्पल बता देता हूं और इसके पास ये कितने बॉन्ड बना रहा है तीन बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस भी क्या कर रहा है फास्फोरस भी तीन बॉन्ड बना रहा है समझना ध्यान से है ना तो आपको क्या करना होता है आपको नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए पांच माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के माने जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है ना वही इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो कितने हो गए बोलो दो, दो दो चार दो छ दो आठ हो गए आठ के कितने एक्स्ट्रा लिए नाइट्रोजन ने कितने एक्स्ट्रा ले लिया तीन एक्स्ट्रा लिए ना तो हो गई लिएक्सीशन नंबर यही समझा रहा था मैं वहां पे वही समझा रहा था कि आप उस एलिमेंट को देखो उस एलिमेंट ने क्या किया उस एलिमेंट ने तीन बॉन्ड बनाए हैं तीन बॉन्ड बनाते समय मान लो कोई एक्स या कोई वाई एलिमेंट है एलिमेंट विल डिसाइड कि क्या होने वाला है अगर ये वाई एलिमेंट क्या कर गया वाई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन दे गया तो तीन इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा और अगर ले गया तो कितने ले जाएगा तीन ले जाएगा तो पांच में से तीन माइनस करना दो ठीक है ना क्या होगा जो है ना वो तीन हो जाएगी इसकी ऑक्सीजन नंबर प्लस टू आ जाएगी तो इस तरीके से जो है ना वो बनेगा है ना तो ये सिचुएशन जो है ना आपको बन के आती है जैसे पीसीएल थ्री की बात करें तो पीसीएल थ्री में क्या होने वाला है इसमें ऐसे हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा ये ले जाएगा ऐसे करके ये तो पांच में से कितने चले गए तीन चले गए तो कितने बचे दो बचे तो पांच में से तीन चले गए तो प्लस टू आ जाएगी ऐसे आ जाएगा है ना तो ये इस तरीके से क्या माइनस वाला प्लस वाला जो ऑक्सीजन नंबर है वो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ना ये आपको है ना वो तरीका जो है ना वो निकल जाएगा कर पाओगे इस पे है ना कंप्लीट है तो ये यही मैं बता रहा था आपको पीसीएल थ्री वगैरह पे इस तरीके से आप काम कर सकते हो ना एनसीएल थ्री वगैरह पे काम कर सकते हो है ना ये आपका काम हो गया कंप्लीट तो बिफोर बिफोर बॉन्डिंग और मतलब आफ्टर बॉन्डिंग आप देख लिया करो उससे कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट है लिख लो आप इसको मैं आप आगे बढ़ता हूं इससे है ना बी आई सी एल फाइव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना? BICL5 नहीं करेगा है ना बी आई सी एल फाइव नहीं करेगा फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है है ना फ्लोरिन जो होगा फ्लोरिन जो होगा वो क्या होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो इसलिए क्या होगा वो जो है ना वो कर लेगा इस तरीके से आएगा है ना ठीक है हाँ मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था बिल्कुल मैंने यहाँ पे कुछ हाँ बिल्कुल मैंने ये कुछ गड़बड़ लिख दिया था एक मिनट रुको फिर से बताता दो ये लिखा था ना क्या यहाँ पे क्या माइनस प्लस टू लिख गया था क्या हाँ जल्दी में लिख गया एक मिनट रुक जाओ ये क्या होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग में ये इधर चले जाएंगे ये सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसका कितना होता है थ्री होता है ये थ्री होता है इसका थ्री पॉइंट वन होता है और फास्फोरस कितना लिखा था अभी टू पॉइंट वन लिखाया था इसके पास कितने बचे आफ्टर बॉन्डिंग दो बचे आफ्टर बॉन्डिंग कितने बचे दो बचे तो पहले कितने थे पांच नंबर ऑफ वैलेंसल में पांच थे और नंबर ऑफ लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग कितने बचे दो बचे ये दो बचे ना बाकी चले गए सीएल के पास तो कितना आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा वो गलत लिख गया था है ना वो गलत लिख गया था शायद है ना प्लस टू लिख गया था गलती से है ना ठीक है इस तरीके से क्या होगा कि अगर सेंट्रल एटम को तीन इलेक्ट्रॉन मिल गए तो माइनस में ले गया तीन चले गए तो प्लस में ले गया और इसने अगर पांचों बॉन्ड बना लिए तो क्या होगा प्लस फाइव में चला जाएगा ऐसा कुछ होगा पीसीएल फाइव बना के देख लो तो अगर कोई एलिमेंट अपने पांचों के पांचों बॉन्ड बनाता है ना ऐसे करके पांच बॉन्ड बनाता है तो पांच बॉन्ड जब बनाएगा तो क्या होगा है ना तो आप कहां तक भेज सकते हैं उसको प्लस फाइव तक भेज सकते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए सीएल के पास चले गए बैलेंस सेल में पहले कितने थे पांच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग कितने जीरो कितना हो गया पांच तो मैंने यही समझाया था उसमें ऑक्सीजन नंबर में कि आपको क्या करना है आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने बॉन्ड बनाने हैं ठीक है वो सिंगल बॉन्ड आप बना दो अगर सेंट्रल एटम को उतने इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उतने माइनस में चला जाएगा और अगर चले गए जैसे एनएस में एनएस में नाइट्रोजन ने ले लिए तो, तो माइनस में चला गया यहाँ पे फॉस्फोरस में मैंने एनसीएल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज करोगे किसमें इसमें कि सर सीएल और एन एटम में इलेक्ट्रॉन सेम होती है लेकिन हम सीएल को ज्यादा देते हैं ये ध्यान रखिएगा एनसीएल थ्री वाला केस भी मैंने जो है ना मैं कर सकता था लेकिन मुझे ज्यादा बोलना पड़ता तो एन थ्री वाला नहीं किया एनसीएल थ्री में क्या होगा यहाँ पे एनसीएल थ्री में मैं सीएल को ही दूंगा है ना नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड है मैं सीएल को ही देता हूँ सीएल को ही दिया जाता है एनसीएल थ्री में जिसके पास क्या बचेंगे दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पांच में से तीन चले पांच में से तीन चले गए दो बचे कितने बचेंगे प्लस थ्री मिलेगा तो नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाने थे जब नाइट्रोन को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन तो माइनस में जब दे देगा तो प्लस में ऐसे करके आता है किसी भी किसी भी फैमिली में उसका लोएस्ट उसका इंटरमीडिएट और उसका हाईएस्ट ऐसे डिसाइड किया जाता है यही तरीका है लोएस्ट इंटरमीडिएट हाईएस्ट इस तरीके से डिसाइड करते हैं ठीक है तो यहां तक हो गया और इसके आगे जो है ना अब ऑक्साइड में वगैरह में जो है ना ठीक है यहां तक याद रखेंगे ना ठीक है सर हाउ कैन वी डिसाइड दिस एटम एग्जिस्ट और नॉट एटम तो एग्जिस्ट करेगा एटम में क्या दिक्कत है एटम में तो कोई दिक्कत नहीं कुछ कंपाउंड वगैरह में दिक्कत आता है कि भाई वहां पे बॉन्डिंग वगैरह कुछ अनयूजल बिहेवियर दिखाई दे रहा होगा बॉन्डिंग बॉन्डिंग का उस वजह से क्या कहते हैं कि भाई नहीं होगा नहीं डिस्क नहीं हो पाता ऐसे कुछ हो जाएगा ठीक है ऐसा कुछ रहेगा और ज्यादातर विश्वजीत ज्यादातर देखो क्या है ना अपना देखो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो ना तो साइंस का देखो एटीट्यूड बदल लो आ, इस क्वेश्चन का वैसे बहुत ज्यादा मीनिंग है नहीं देखो हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे हैं साइंस में हम लोग बेसिकली जो है उसी को पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखो साइंस का पहले मकसद समझो जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जानना और समझना विज्ञान कहलाता है साइंस कहलाता है तो अगर कोई चीज वैसे जैसे किसी ने कहा नाइट्रोन का, का एलोटोप नहीं है, so है इसीलिए हमें पता है कि वो नहीं है फास्फोरस के अगर हैं तो हमें मालूम है कि फास्फोरस के हैं ठीक है है वो इस तरीके से चलता है तो बहुत हर जगह लॉजिकल थिंकिंग नहीं है उस तरीके से रहेगा ठीक है तो आप ये कर सकते हैं ओके ना इज बेटर कि आप थोड़ा साइंस के बारे थोड़ा एटीट्यूड चेंज करेंगे साइंस के प्रति तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा और थोड़ा अच्छे से चीजें आपको आप समझ में आने लगेगी है ना? और बताओ आपके कितने सारे लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं क्या हुआ भाई बात करना है बताओ क्या है चलो बात कर लेते हैं आज क्लास सब खत्म है क्लास खत्म है आप लोगों की है ना हम्म हर्षित क्या हुआ बोलो हर्षित से रेज हो जाएगा सॉरी क्या हुआ गलती से रेज हो जाता सर कोई बात नहीं जय श्री राम प्लीज ऑलवेज चैट धीरेन्द्र श्रीवास्तव हाँ जी बोलो भाई ठीक है तो आज ये आप ऑक्साइड वाले का जो पार्ट है ना नेक्स्ट क्लास में कर देंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में दूंगा होमवर्क है ना अगली क्लास में दे दूंगा होमवर्क थोड़ा पढ़ा दू नाइट फैमिली पूरा कर दू फिर दे दूंगा होमवर्क ठीक है तेजस डीपी भी कर दो डीपी भी कर दो बस एक एक लेक्चर आप और पढ़ लो एक लेक्चर आप और पढ़ लोगे तो अपने आप हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल चार्ज जैसा ही है बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास ले लो अरे यार इतनी सारी क्लासेस हो रही वैसे तो काफ काफी क्लास ले रहा हूं